जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार ही उसकी बॉडी के ऊपर कुछ मार्क्स दिखाई देते हैं, जो रंग में नीले, काले और ग्रे, जो सुरमई कलर होता है, इसका मिक्सचर टाइप दिखते हैं। क्या कोई पैटर्न नहीं होता, कोई शेप नहीं होती डिफाइंड, वो बिल्कुल रैंडम होते हैं। कई बारी एक तरफ से बड़े, एक तरफ से छोटे, इस तरह से कुछ अलग अलग उनका जो है वो डिज़ाइन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उनको देखते ही हम एकदम पहचान पाएं। और कई बारी किसी बच्चे के वो डार्क होते हैं, किसी बच्चे के बहुत ही लाइट होते हैं, और ये ज़्यादातर दिखते हैं बच्चे की बटक्स की तरफ या फिर बच्चे की कमर की तरफ। तो इनको मंगोलियन मार्क बोला जाता है। अब साइंस ये बोलती है कि हमारी बॉडी का जो पिगमेंट बनता है, जो हमारी बॉडी का कलर बनता है, वो बेसिकली मेलानिन नाम का जो सब्सटेंस है उसकी कितनी मात्रा है उस एरिया में, उससे डिसाइड होता है कैसी टोन हमारी स्किन की बनेगी। तो साइंस बोलती है कि जहाँ पे मेलानिन की मात्रा ज़्यादा रह गई स्किन में, वहाँ पे कोई मार्क जो है वो डार्क हो सकता है। कई जगह ये भी बताया गया है कि जो मंगोलियन मार्क है वो ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी वजह से अपीयर हो जाता है। लेकिन हमारे समाज में ज़्यादातर जो मैंने आसपास सुना है उसमें बड़ी माताएं, दादी हैं, वो ये बताती हैं कि ये प्लेजेंटा से होता है, कि जहाँ जहाँ बच्चे को प्लेजेंटा टच हुआ वहाँ पे ये मार्क छूट जाता है। लेकिन ऐसा अभी तक कोई साइंटिफिक प्रमाण या स्टडी में नहीं देखा गया। तो अगर आपके बच्चे की बॉडी पे आपको ऐसा कोई निशान दिखे तो आप डॉक्टर से तुरंत बात कर सकते हैं। आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर, ये कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है, या फिर ये मार्क क्या मंगोलियन मार्क ही है, या फिर आपको क्या कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ये आप इमीडिएटली डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हमें कोई चोट लगती है तो इंटरनल इंजरी हो जाए, बाहर इंजरी नहीं होती, तो हमें नील जैसे निशान पड़ जाते हैं हमारी बॉडी पे। और ये जो मंगोलियन मार्क होता है वो नील के साथ बिल्कुल बहुत ही सिमिलर होता है नील के साथ, तो इसलिए हमें थोड़ा सा हम उस चीज़ के साथ इसको रिलेट करने लग जाते हैं कि कहीं बच्चे को कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं होगी। इस वजह से ये आप बात डॉक्टर के साथ ज़रूर चेक कर लें बिफोर यू गो होम फ्रॉम हॉस्पिटल। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कोई इंजरी है तो मेडिकेशन आप ज़रूर लीजिए, लेकिन अगर ये मंगोलियन मार्क है तो ये टाइम के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो फेड हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे की बटेक्स बम्प्स और हिप्स कह लीजिए या फिर कमर के आसपास ये होता है। मेरे एक बच्चे के ये उसी साइड था और दूसरे बच्चे के दो जगह था, दूसरा उसका था हैंड्स पे। तो उस टाइम मैं थोड़ी सी वरिड थी कि हाथों के ऊपर ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, तो वहाँ पे उसका ये मार्क था। लेकिन धीरे धीरे 2 मंथ्स के अंदर वो मार्क जो है वो डिसअपियर हो गया और हमें कोई भी मेडिकेशन या फिर कोई क्रीम या कुछ भी अप्लाई करने की उस पर ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही ये कोई पेनफुल था। ये ज़्यादातर जो डार्क स्किन पीपल हैं उनके बच्चों के बॉडी पे होता है, शायद जेनेटिक की जीन्स की वजह से या जिस भी रीज़न से मान लीजिए। ज़्यादातर अफ्रीकन, ईस्ट एशियन या एशियन बंदों की बच्चों की बॉडी के ऊपर ये होता है। लाइट स्किन टोन के लोगों की बॉडी भी नहीं होता, और मैंने ये खुद भी ऑब्जर्व किया है। जो मेरे आसपास और मदर्स हैं अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगह से हैं, तो मैंने यही देखा है कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन के लोग हैं उनकी बच्चों की बॉडी पे देखा है, और जो लाइट स्किन के लोग हैं उनकी बॉडी, उनको पता भी नहीं है इनफैक्ट कि ऐसी कोई चीज़ होती है। तो स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स जो हैं वो शायद ऐसी चीज़ देख के थोड़ा घबरा जाएं, इसीलिए मैंने आज ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। अगर आपको लगता है किसी और की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, और चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। सब्सक्राइब का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको रेगुलर अपडेट्स आएंगे जैसे जैसे कोई वीडियो आएगा। और मिलते हैं एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं, बाय।